इस जगह का नाम कोकिला बन क्यों पड़ा? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी की शान नोएडा से। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं जा रही हूँ ब्रज में और आप भी चलिए मेरे साथ। ब्रज में मैं क्यों जा रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो आज है शुक्रवार और शुक्रवार की शाम को मैं जा रही हूँ कोकिला वन यानी कि शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए। तो शनिदेव महाराज के जो दर्शन है वो होते हैं शनिवार को और आज है शुक्रवार। तो मैं जा रही हूँ शुक्रवार के दिन शाम को, अभी करीब 6:30 से 7:30 बजे होंगे। और अभी मैं अपने घर से जा रही हूँ माइके वाली फैमिली के पास में और वहाँ से करीब 9 से 10 बजे निकलना होगा। और क्योंकि जब तक दिल्ली में जो नो एंट्री है वो भी खुल जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही निकल रहे हैं। और उससे पहले मिलेंगे माइके वाली फैमिली से, सब लोग साथ में जाएंगे। बहुत ही अच्छा आज का जो टूर है वो रहेगा, बने रहिए लास्ट तक। और तरुण मुझे छोड़ने जा रहा है तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अभी हो रहा है, आपको बताती हूँ शनिदेव महाराज की महिमा, उनकी जो लीला है वो क्या है वो भी आपको बताऊंगी। और भंडारा भी आज हम करेंगे शनिदेव महाराज पे, परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और हाँ, शनिदेव महाराज की यहाँ पे क्या लीला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सावन का पावन महीना अभी चल ही रहा है तो चलिए शनिदेव महाराज के दर्शन कर करते हैं। इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी, हमने ब्रज की डाली थी जो रमन रेती और ब्रह्मघाट महादेव मंदिर जो है चिंतारण महादेव, वहाँ के सारे दर्शन कराए थे। अगर नहीं करे हैं तो जरूर करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप चेक करके वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। तो शनिदेव का इतना बड़ा महत्व क्यों है, क्यों लोग इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाते हैं, क्यों इतनी भीड़ रहती है वहाँ पर, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी हम शनिदेव के आसपास ही पहुँच गए हैं यानी कि कोकिला वन पहुँचने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिया है ब्रेक, चाय नाश्ता सबने ले लिया है 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, परिक्रमा शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपको जो भी खाना पीना है वो कोकिला वन से पहले, अगर आप दिल्ली होके आ रहे हैं तो बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट पड़ते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिया, मैं घर से खाना खा के नहीं आई थी, तो यहाँ पे एक आलू का पराठा और एक चाय ली है, बाकी सब लोग खा के आए थे, मैं और मेरा भाई नहीं खा के आए थे तो हमने लिया है, बाकी सब खा के आए थे तो इन्होंने नहीं लिया है। तो चलिए, सबका खाना पीना हो गया, फ्रेश अप हो गए सब लोग और चल रहे हैं कोकिला वन यानी कि कोसी कला। नानी ले तो हम लोग नोएडा से आए हैं, नोएडा से शनिदेव महाराज नज़दीक ही पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। नोएडा दिल्ली गाजियाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 कुछ का अंतर पड़ता है यानी कि 110-120 ऐसे ही कुछ पड़ते हैं, इतने किलोमीटर पे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इतनी नज़दीक रहती हूँ ब्रज के, क्योंकि ऐसे भी लोग देखे हैं जो कितनी कोशिश कर लें बहुत दूर रहते हैं लेकिन इस ब्रज में नहीं आ पाते हैं। तो देखिए मौसम भी शनिदेव ने एकदम सुहावना कर दिया है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और चलो अब चलते हैं शनिदेव महाराज पे, पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, पहुँच गए हैं कोकिला वन और अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये है परिक्रमा मार्ग। और परिक्रमा मार्ग में शुरू में ही सामने ही पड़ता है बालाजी का मंदिर और अभी आपको दिखाऊंगी मैं, साइड में है। और यहीं पे बालाजी के दर्शन करके और लोग परिक्रमा अपनी शुरू करते हैं। ये है बालाजी का मंदिर, बहुत ही प्यारा सा, और बिल्कुल यहाँ से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल सामने आके जो परिक्रमा है वो समाप्त हो जाएगी जो आपको दिख रहा होगा। और इधर है शनिदेव महाराज, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि घर बैठे जब हम वीडियो को देखते हैं तो हमें इतनी समझ में नहीं आती चीज़ें जितनी हम यहाँ पे जब आ जाते हैं तब समझ में आती है। तो हमने भी शनिदेव महाराज की परिक्रमा जो है शुरू कर दी है, बालाजी की दंडौत दे देख रहा है, तो जितनी भी आपसे लग जाए उतनी दंडौत करके और आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। और मैंने जितनी मुझसे लगी 5-7 वो मैंने लगा दी, सभी लोगों ने इसी तरीके से लगाई और परिक्रमा शुरू कर दी शनिदेव महाराज का नाम लेके। तो दोस्तों जब आप शनिदेव की परिक्रमा शुरू करेंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा बैठे मिलेंगे और आपका जो दान है इनके लिए अमृत के समान है। अगर आप 1 रुपये का दान यहाँ पे करते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है, ऐसी कहावत है कि शनिदेव ही नहीं बाकी किसी भी भगवान को अगर आप कुछ अर्पित करते हैं, कोई भोग लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं,
तो कोई भी भगवान आपकी जो सेवा है उसका जो फल है वो रखते नहीं है, किसी न किसी रूप में आपको देते हैं जरूर, यानी कि वापस देते हैं, एक गुना नहीं कई गुना उसको लौटाते हैं। तो ऐसी मान्यता है, जब यहाँ पे आए तो शुरू में ही जहाँ से हमने बालाजी महाराज के परिक्रमा शुरू करी थी वहीं पे आप पैसे खुला लें, वहाँ पे खुला देते हैं, पाँच अगर पैसे खुले नहीं है, और जितनी भी परिक्रमा में गरीब लोग बैठे रहते हैं चाहे भले आप उनको एक ही रुपया दें लेकिन उनको दान दे के आगे बढ़ते रहें। तो चलिए हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है, उसके बाद हम कुंडा में नहाने चले गए। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स कुंडा है नहाने का, वो जो अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ से हम आने के बाद नदी जो है उनसे हमने चंद्र महाराज के मुख्य मंदिर में, ये चंद्र महाराज का मुख्य मंदिर है, ये चंद्र महाराज जो है सूची नए मंदिर यहाँ पे है, वो इस तरीके से व्यवस्था की गई है। अगर आपको हाथ नहीं पहुँचता और आप रोटी नहीं पहुँच पाते तो इस तरीके से आप तेल इसमें छोड़ सकते हैं और जो आपका तेल है चंद्र महाराज को डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ये मेरी फैमिली जो मेरे साथ है और कुछ लोग आगे निकल गए हैं, कुछ साथ में हैं अभी। तो ये और बोलो सनिदेव महाराज की जय। तो ये देखिए ये मुख्य मंदिर है सनिदेव महाराज की, यहाँ की क्या लीला है वो बहुत करने के बाद। तो यहाँ पे पास में अंदर भी एक बालाजी महाराज का मंदिर है और वहाँ पे भी आप दर्शन करके आएँ जरूर। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को मतलब जिन लोगों पे सनिदेव की ज़्यादा मतलब दृष्टि रहती है, जो मतलब पीड़ित रहते हैं सनिदेव की दृष्टि से, तो वो यहाँ पे आके सनिदेव पे तेल चढ़ा के उसका जो प्रसाद मिलता है जो टुपी बुद्धू तो जो भी जला के, और अंदर ही बालाजी महाराज का एक और मंदिर है जो सनिदेव महाराज के साथ है, उनकी प्रतिमा करें, उनके दर्शन करें, तो सनिदेव की जो सनिदेव की दृष्टि से जो आप पीड़ित हो ऐसी मान्यता है। इसीलिए यही कारण है कि लोगों की यहाँ पे शुक्रवार और शनिवार को अथा भीड़ बहुत ही ज्यादा रखने आए थे, चालू हो गया इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे कर ली। तो हम जब यहाँ पे आ गए थे उसके समय परिक्रमा शुरू करने से पहले जहाँ पे हमने भंडारी की बात कर रखी थी उनको ऑर्डर दे गए थे, आप हमारा भंडारा बना के तैयार करते सारी सुविधा है यहाँ पे, आप कर सकते हैं कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसे साथ के साथ दो तीन घंटे में आपका भंडारा शुरू हो जाएगा, कुछ भी चीज़ लाने की जरूरत नहीं है। तो ये काले चने और सूजी का हलवा है, भंडारे वाली सब्जी आलू की और पूड़ी है, यही सब हमने बांटा है। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं जो शनिदेव की लीला है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे शनिदेव महाराज कैसे विराजमान हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब शनिदेव महाराज की मैं आपको लीला बताती हूँ कि शनिदेव महाराज यहाँ पे विराजमान कैसे हुए। तो ये भगवान कृष्ण के समय की बात है, जब भगवान कृष्ण धरती पर आए थे कंस का वध करने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए, और उसी समय पे देवी देवता भी आए थे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो उन्हीं में जो हमारे शनिदेव महाराज हैं वो भी आए थे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, और उसी समय पे क्या हुआ कि जो माता यशोदा थी तो माता यशोदा ने शनिदेव महाराज को यहीं पर रोक लिया। और यहाँ का इस जगह का नाम कोकिला वन कैसे पड़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब माता यशोदा ने यहाँ पे शनिदेव महाराज को रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया, तो शनिदेव महाराज ने कई सालों तक यहीं बैठ के तपस्या की भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। तो भगवान कृष्ण ने शनिदेव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ पे दर्शन दिए कोयल के रूप में। तो इसी वजह से जब कोयल के रूप में दर्शन दिए तो इसी वजह से इस जगह का नाम कोकिला वन पड़ गया, जिसको शनिदेव महाराज का स्थान भी बोला जाता है। और शनिवार शुक्रवार यहाँ पे अथा भीड़ मिलेगी आपको देखने के लिए, और ये पूरी व्यवस्था भंडारे की यहाँ पे, तो इसी वजह से पब्लिक यहाँ पे आती है। और उसी समय से शनिदेव महाराज यहाँ पे विराजमान हो गए लोगों के उद्धार के लिए। तो जो भी इंसान शनिदेव से पीड़ित है वो यहाँ पे आके शनिदेव के दर्शन करें, बालाजी के दर्शन करें, जो भी दान आपसे बने वो यहाँ पे दान करें, क्योंकि एक नहीं यहाँ पे हजारों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप दान कर सकते हैं। और ये हमने भंडारा करवाया है, भंडारे को बांटते बांटते दिन भी निकल आया है। वैसे तो हम दर्शन करके सीधे जा सकते थे राधा रानी के दर्शन के लिए, लेकिन भंडारे की वजह से हम इस बार सिर्फ भंडारा करके सीधे घर के लिए जाएंगे, क्योंकि जब से आए हैं एक मिनट के लिए भी कोई नहीं सोया है और सब लोगों की आंखों में नींद ही भर रही है, थक भी गए हैं क्योंकि परिक्रमा भी लगाई थी। तो ये छोटी सी लीला थी शनिदेव महाराज की। अगर आप लोग भी शनिदेव की दृष्टि से पीड़ित हैं तो यहाँ पे एक बार आप जरूर आएँ। और ऐसी मान्यता है जो परिक्रमा है
संदेह महाराज की, वो 3 किलोमीटर की है, यानी कि 1.25 की परिक्रमा है तो 3-3.5 किलोमीटर की पड़ती है। अगर उसे आप लगातार 5 बार 7 बार करते हैं या 9 बार करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वो हर हाल में पूरी होगी, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। और यही वजह है यहाँ पे अथा भीड़ होने की, क्योंकि यहीं से अपने देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं और ये स्थान ब्रज में ही पड़ता है। तो कोकिला वन भी है और इसको कोसी कला भी बोला जाता है, तो इसके 2 नाम हैं। और ये है संदेह महाराज का प्रांगण। शनिदेव महाराज जो हैं, अगर आप शनिवार से अलग किसी भी दिन आते हैं, शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन आते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। जो प्रांगण अभी मैंने दिखाया था, आप अपनी गाड़ी यहाँ तक ला सकते हैं और मतलब ना ही लाल मिलेगी ना कुछ मिलेगा, आप आसानी से खुले दर्शन संदेह महाराज से कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रज के नटखट बंदर, ये कहीं भी अपनी शैतानी नहीं छोड़ सकते, कहीं भी आपको दिख जाएंगे। मैंने भी आपको दिखाया था पहले, चलिए रात में आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा था, इसलिए मैं प्रांगण में दोबारा गई थी आपको संदेह महाराज के दर्शन कराने के लिए। और ये है मेन एंट्री संदेह महाराज की, रात में मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि रात में कुछ नहीं नजर आ रहा था। तो अभी हम घर के लिए वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। तो यहाँ से संदेह महाराज का इलाका शुरू हो जाता है। बोलो संदेह महाराज की जय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। संदेह महाराज के लिए आप दर्शन करने कब आ रहे हैं या पहले आए हैं तो वो भी बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो कहाँ की होगी वो मुझे भी नहीं मालूम है, जैसी भी होगी जहाँ की भी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए।